चर्चा 24/7 से। आज हम कौन सी गौशाला थी, फरुखनगर गौशाला में पहुँचे और आज हमारे हमारी मुलाकात एक ऐसे हस्ती से हुई, ऐसे सत्य जिन्होंने बहुत लंबा सफ़र हरियाणवी संस्कृति को उठाने में किया है, जिनका नाम कोई भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं प्रीति चौधरी बुलंदशहर से, उनसे आज मिलवाएंगे और वो बताएंगे इस लैंड का हाल और कितना टाइम उनको हुआ है। हमारे से प्रीति चौधरी जी, सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करना चाहती हूँ और थैंक यू करना चाहती हूँ आपको भी कि आपने मुझे वक्त निकाल करके सुना। ये टाइम मेरा जो रहा है तकरीबन 14-15 साल मुझे गाते हुए हो गए हैं और 14-15 साल से मैंने बहुत सा सफ़र तय भी किया है, बहुत कुछ देखा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मेहनत कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो टांग खींचना कहते हैं, वो मेरे साथ में नहीं हुई है। क्योंकि शायद या तो मेरा व्यवहार लोगों को पसंद है या कलाकारों में मैं ज़्यादा किसी के लाइफ में ज़्यादा ताजझाप नहीं करती, या कुछ भी कहिए कि सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, जिसकी वजह से आज मैं आप सभी के बीच में हूँ। इतना लंबा सफ़र है, लोग याद करना भूल जाते हैं और बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए गाना भी बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी प्यार और आशीर्वाद इतना मिला कि फिर से मुझे वो मुकाम मिला है और आज भी मैं आप सभी के बीच में हूँ। ये जो बता रहे हो कि बीच में गाना बंद कर दिया था, वो क्या कारण रहा था उसका? कारण कुछ नहीं रहा था, थोड़ी सी बस जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम हो जाती हैं कभी कभी, या फिर थोड़ी कुछ हमारी खुद की गलतियाँ होती हैं, मेरी गलती की वजह से ही मैंने गाना कुछ के लिए बंद कर दिया था। तो प्रीति जी, ये जो लाइन है, ये कलाकारों की ज़िंदगी में तो उतराव चढ़ाव आते हैं, इस लाइन में भी उतराव चढ़ाव आते हैं। आपको 14-15 साल में जो दौर देखा आपने, अब तक उस दौर का थोड़ा सा हमारे जो श्रोता है आपका उसके बारे में। कलाकार सारी पब्लिक को खुश रखने की कोशिश करता है, स्टेज पे जाने के बाद वो चाहे कितना ही गम में क्यों ना डूबा हुआ हो, चाहता है कि अपने श्रोताओं को खुश रखूँ, कोई भी कमी ऐसी ना हो कि किसी श्रोता को ये कहना पड़े कि नहीं ये कलाकार अच्छा नहीं था। सभी मेहनत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और 13-14 साल में मैं शायद पहले गाना नहीं जानती थी इतना, और धीरे धीरे जैसे कि तजुर्बा होता गया, थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, लोगों को समझना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत भी हुई, लेकिन फिलहाल अब सब कुछ अच्छा ही है। अब सब कुछ अच्छा ही है। अब जैसे 2021 स्टार्ट हुआ है, तो हरियाणवी संस्कृति को कहाँ पे पाते हैं आप? हरियाणवी संस्कृति तो सारी दुनिया में ही फेमस है। वैसे तो जो कोरोना काल बीता है पिछले 8-9 महीने में, जो लोगों ने सहा है, जो कलाकारों की बात है, अगर उसमें देखी जाए तो थोड़ी दिक्कतबाजी है, क्योंकि कलाकार को सपोर्ट सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता। अगर स्टेज पे किसी भी कलाकार के साथ कोई ट्रेजडी हो जाती है तो सरकार कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आती। जैसे कि अभी कुछ हादसे ऐसे हुए हैं कलाकार के साथ में कि स्टेज टूट जाती है या उनको चोट लग जाती है तो कोई हेल्प नहीं। स्टेज टूट जाए तो वो तो घटना हुई, लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि जैसे कलाकार गाता, जैसे हमारे गुरुजन हैं जो हमें लिख के देते हैं, वो एक झोपड़ी में या किसी कच्चे मकान में अपना दम तोड़ देते हैं, तब कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लिखने में और उसको उठाने में, लोगों को सिखाने में लगा दी, और उनको सिर्फ एक कहीं मिल जाती है तो एक फूलमाला या एक पगड़ी, लेकिन एक जो अपना ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेहनत तो आखिर जो राइटर होता है बहुत करता है, क्योंकि सारा तो उसी का काम है, हम तो सिर्फ गा देते हैं। स्टेज पे गाना कोई बड़ी बात नहीं होती, सबसे बड़ी मेहनत तो उस कलाकार की है जो दिन रात अपनी कलम को चलाता है। शायद कुछ लोगों के तो पास घर भी नहीं है अपने, बारिश आ जाए तो वो बारिश में ही बैठे रहते हैं, कोई नहीं सोचता सर उनके बारे में। अच्छा, कलाकार सोचते हैं उनके बारे में? सर, कोई नहीं सोचता आपस में भी, क्योंकि प्यार तो ख़त्म ही हो गया, लोग एक दूसरे के प्रति शायद इतना प्यार भाव रखते ही नहीं कि कोई किसी की मदद करे, तो सरकार को शायद थोड़ी बहुत तो हेल्प करनी। सरकार के अलग अगर तो खैर सिस्टम नहीं हूँ, लेकिन खटकती है गौशाला में स्टेज पे डांस होना, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर मैं कहना चाहती या मेरे कहने से कुछ होता तो शायद बहुत पहले हो चुका होता। मैं तो पसंद ही नहीं करती कि जहाँ अगर धार्मिक मंदिर है, गौशाला है, तो डांस तो होना चाहिए ही नहीं, लेकिन जब कमेटी वाले लोग बोलते हैं कि डांसर ही चाहिए और डांसर एक दिन नहीं, दो तीन दिन मंगाते हैं, सोचने वाली बात है, क्या करेंगे। मैं तो नहीं चाहती, लेकिन मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा सर। नहीं, सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सिस्टम तो है, लेकिन सिस्टम का कुछ ना कुछ तो ये है कि भाई अगर वो चीज़ वहीं पे ठीक लगे जहाँ वो ठीक होती है।